आ श्री राम से। जन्मे मंगल करते महावीर हनुमान, मंगल को जन्मे मंगल करते महावीर हनुमान। नमन है बारंबार तुम्हें है कलयुग के भगवान, नमन है बारंबार तुम्हें है कलयुग के भगवान। लाल देह पे लाल लंगोटा तेज है सूर्य समान, लाल देह पे लाल लंगोटा तेज है सूर्य समान। नमन है बारंबार तुम्हें है कलयुग के भगवान, नमन है बारंबार तुम्हें है कलयुग के भगवान। पूछा बजरंगी ने सिया से सिंदूर क्यों हो लगाती, कहा सिया ने इससे प्रभु की आयु है बढ़ जाती। पूछा बजरंगी ने सिया से सिंदूर क्यों हो लगाती, कहा सिया ने इससे प्रभु की आयु है बढ़ जाती। सुन बजरंगी हुए चकित और सिंदूर दान उठाया, मलमल के सारा सिंदूर अपने बदन पे लगाया। ऐसा अनुपम प्रेम देख हर्षित हुए राजा राम, नमन है बारंबार तुम्हें है कलयुग के भगवान, नमन है बारंबार तुम्हें है कलयुग के भगवान। सुकंत के कारण महावीर ने ऐसा प्रण कर डाला, युद्ध भूमि में राम प्रभु से पड़ गया उनका पाला। सुकंत के कारण महावीर ने ऐसा प्रण कर डाला, युद्ध भूमि में राम प्रभु से पड़ गया उनका पाला। एक तरफ थी अंजना माता दूजी ओर आराध्या, वचन बद्ध बजरंगी हेतु काज था बड़ा असाध्य। राम प्रतिज्ञा लेके राम से लड़ने चले हनुमान, नमन है बारंबार तुम्हें है कलयुग के भगवान, नमन है बारंबार तुम्हें है कलयुग के भगवान। जय श्री राम। दुख भंजन मारुति नंदन
सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे। मेरा कर उधार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी। भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, भक्ति भाव से ध्याऊं तो है। कर दुखों से पार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जपू निरंतर नाम तुम्हारा, अब ना छोड़ू तेरा द्वारा, अब ना छोड़ू तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे। भव सागर से तार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार।
श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुरु सुधारि बरनउ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र अरु ध्वजा विराज कांधे मुझे जने साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संघारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरसि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम्हारो जस गावै हस कहि श्रीपति कंठ लगावै सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहां ते कभी कोविद कह सके कहां ते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राज पद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत
क्या बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आप तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सीध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करूं गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चलीसा होए सीधी साखी गोरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहुं सुर भूप
लंका का राजा रावण माँ सीता को हर के ले गया, प्रभु श्री राम जी के हाथों मारा गया। लेकिन रावण रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण प्रभु श्री राम के छोटे भाई लखन लाल मूर्छित अवस्था में पड़े थे। लक्ष्मण लक्ष्मण बची न श्री राम के बिना, बूटी मिली न हनुमान के बिना। लक्ष्मण बची न श्री राम के बिना, बूटी मिली न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो, मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। वापस प्रभु श्री राम की लाख कोशिश के बाद माँ सीता वापस तो मिली, लेकिन वापस वापस मिली न श्री राम के बिना, पता चली न हनुमान के बिना। वापस मिली न श्री राम के बिना, पता चली न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। श्री राम जी चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। मुक्ति प्रभु श्री राम सिंहासन पे बैठते हैं और हनुमान उनके चरणों में। जो सिंहासन पर बैठते हैं वो क्या देते हैं,
और जो चरणों में बैठते हैं वो क्या देते हैं? मुक्ति। मुक्ति मिली ना श्री राम के बिना, भक्ति मिली ना हनुमान के बिना। साक्ष मिला कलयुग में भी, मिला दुखियन को आशीष। साक्ष मिला कलयुग में भी, मिला दुखियन को आशीष। रघुवर असवर दीन है, अमर जीवन कपीस है हनुमत, अमर जीवन कपीस। काज किए रघुवर के तुम, लाए संजीवन साथ। काज किए रघुवर के तुम, लाए संजीवन साथ। हनुमत तेरी जय जय हुई, बने दुखियन के नाथ। हे हनुमत बने दुखियन के नाथ। अद्भुत रूप सुहावना, बलशाली है भुजंग। अद्भुत रूप सुहावना, बलशाली है भुजंग। कांध जनेऊ हाथ गदा, देह पे लाली रंग। है हनुमत देह पे लाली रंग। रघुवर के तुम दास हो, भरत प्रिय जस भाई। रघुवर के तुम दास हो, भरत प्रिय जस भाई। जहाँ कथा है होत राम की, करत सदा गुआई। है हनुमत करत सदा गुआई। बाल रूप में केड़ा भी, अजब किए भैलीन। बाल रूप में केड़ा भी, अजब किए भैलीन। धधक सूरज संग लील गए, अरज पे जीवन दीन। है हनुमत अरज पे जीवन दीन। केसरी नंदन कहलाते, संकट मोचन नाम। केसरी नंदन कहलाते, संकट मोचन नाम। राम दूत पचमुख शोभित, किष्किंधा है धाम। है हनुमत किष्किंधा है धाम।
सुंदर कांड रामायण में अद्भुत वर्णन रूप, सुंदर कांड रामायण में अद्भुत वर्णन रूप। वानर मुख बलशाली तुम राम भक्त प्रमुख, हे हनुमत राम भक्त प्रमुख। जब जब पीड़ा पड़े भगतन की, सन्मुख आते हमेश। जब जब पीड़ा पड़े भगतन की, सन्मुख आते हमेश। सब संतन के रखवाले हर लेते हो कलेश, हे हनुमत हर लेते हो कलेश। अक्षय मार कुमार को ले ले गए तुम प्राण, अक्षय मार कुमार को ले ले गए तुम प्राण। अचरज जान के राम भक्त की, विभीषण देते सम्मान, हे हनुमत विभीषण देते सम्मान। जिस पे कृपा हो राम की, उस पे लगे ना जोग। जिस पे कृपा राम की, उस पे लगे ना जोग। जिस पे कृपा हो हनुमत की, धरे ना कोई रोग, हे हनुमत धरे ना कोई रोग। मंगलवार के व्रत से होते हैं पूरे काम, मंगलवार के व्रत से होते हैं पूरे काम। सो पूजन के एक बराबर, हनुमत संग राम का नाम, हे हनुमत हनुमत संग राम का नाम। सुर सलंकिनी दुर्मुख भी संभल न पाए मैं, सुर सलंकिनी दुर्मुख भी संभल न पाए मैं। मुख में समा कर निकल गए हर मस्तक में छेद, हे हनुमत कर मस्तक में छेद। लंका सोने की जल गई, जहाँ रावण करवास। लंका सोने की जल गई, जहाँ रावण करवास। लाख सचित हनुमत समझाए, राम है सबके नाथ, हे हनुमत राम है सबके नाथ। रावण अचरज जान कर सोचे माथा पीट,
रावण अचिरज जान कई सोचे माथा पीठ। बजरंगी बस राम रटे राम नाम है मीठ, हे हनुमत राम नाम है मीठ। मुख से एक ही बात की चर्चा करे हर बार, मुख से एक ही बात की चर्चा करे हर बार। हनुमत संग जो राम कहे उसका हो बेड़ा पार, हे हनुमत उसका हो बेड़ा पार। लांघ गए सो जोजन की समुद्र की खाई खार, लांघ गए सो जोजन की समुद्र की खाई खार। काज किए रघुवीर की होने लगी जयकार, हे हनुमत होने लगी जयकार। चिंतित मन अचेत सी माता सियासन मूक, चिंतित मन अचेत सी माता सियासन मूक। दे मुद्रिका कर जोर के बन गए राम के दूत, हे हनुमत बन गए राम के दूत। खोजत राम सिया को है बिछमाला निष्काम, खोजत राम सिया को है बिछमाला निष्काम। वो वस्तु किस काम की जिसमें नहीं हो राम, हे हनुमत जिसमें नहीं हो राम। देख ही राम आश्चर्य से दीन आशीष है खास, देख ही राम आश्चर्य से दीन आशीष है खास। जब तक है ये सृष्टि जीवित युगो युगो तुम दास, हे हनुमत युगो युगो तुम दास। राम नाम की लूट है संग में हनुमत छूट, राम नाम की लूट है संग में हनुमत छूट। अंत समय यही काम आएंगे सब जाएंगे रूट, हे हनुमत सब जाएंगे रूट। तुम सा संत ना कोई है ना योगी है महान, तुम सा संत ना कोई है ना योगी है महान।
सब कुछ जग में पा जाए वो जपे जो तेरा नाम है हनुमत जपे जो तेरा नाम जैसे राम के काज सवारे बन के राम के दूत जैसे राम के काज सवारे बन के राम के दूत वैसे ही मेरे काज सवारो हे अंजन के पूत हे हनुमत हे अंजन के पूत शरणागत बन आपके मैं आया तेरे द्वार शरणागत बन आपके मैं आया तेरे द्वार जैसे दुखियन के पार लगाए मेरा भी करना उधार हे हनुमत मेरा भी करना उधार वेद पुराण ना जानू मैं ना जानू कोई काम वेद पुराण ना जानू मैं ना जानू कोई काम मैं मूरख बस इतना जानू बस हनुमत तेरा नाम हे हनुमत बस हनुमत तेरा नाम लाल देही लाली लसे अरुधर लाल लंगूर लाल देही लाली लसे अरुधर लाल लंगूर दर्शन तेरा चाहूं मैं घर मेरे आना जरूर हे हनुमत घर मेरे आना जरूर सुना है तुम तो कृपालु हो तुम ही कहलाते रामेष्ट सुना है तुम तो कृपालु तुम ही कहलाते रामेष्ट राम दुलारे राम सखा जस तुम दानी हो श्रेष्ठ हे हनुमत तुम दानी हो श्रेष्ठ निस दिन जो हनुमान जपे प्रातः कर उपवास निस दिन जो हनुमान जपे प्रातः कर उपवास दुख ना पाप घेर कभी हो कष्टों का नाश हे हनुमत हो कष्टों का नाश कलम उठा कर जोड़ी के शिव हरि करे गुणगान कलम उठा कर जोड़ी के शिव हरि करे गुणगान वीर बजरंगी हनुमत के है कृपा के निधान हे हनुमत
है कृपा के निधान। ओम हन हनुमते नमो नमः। प्रेम से बोलिए भक्त, जय हनुमान, जय जय श्री राम। भक्तों, हनुमान जी को भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में माना जाता है और उन्हें शक्ति, ज्ञान, वीरता, बुद्धिमत्ता, निस्वार्थ सेवा के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। इन्हें जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला एक अमर माना जाता है, जो सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभावों या प्रलोभनों को रोकने की शक्ति रखता है। इन्होंने अपना जीवन भगवान राम और सीता को समर्पित कर दिया। इन्होंने बिना किसी उद्देश्य के कभी भी अपनी ताकत या वीरता नहीं दिखाई। इस प्रकार के पुण्यों को प्राप्त करने के लिए हनुमान की पूजा करनी चाहिए। भक्तों, इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी यानी संस्कृत में हनु टूट गई थी, इसलिए उनको हनुमान का नाम दिया गया। इसके अलावा ये अनेक नामों से प्रसिद्ध है, जैसे बजरंग बली, मारुति, अंजनि सुत, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीश, शंकर सुवन आदि। त्रेता युग में रामायण के समय भगवान श्री राम की सहायता, राक्षसों का वध तथा अपने भक्तों के संकट हरने पर उनको इन नामों से पुकारा गया। प्रेम से बोलिए भक्तों, पवन सुत हनुमान की जय। संकट मोचन है हनुमान, करते भक्तों का कल्याण। जो भी प्रभु श्री राम को ध्याते, उनको सदा बजरंग है भाते। शनि मंगल है इनका वार, कष्टों से करते हैं उद्धार। भूत पिशाच निकट नहीं आते, जो महावीर का ध्यान लगाते। हनुमत है अंजना के लाल, हनुमत से डरते हैं काल। एक हाथ में गदा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। लाल रंग महावीर को भाई, रहते सदा है धुनी रमाए। राम नाम इनको है प्यारा, दुष्टों को हनुमत ने सुधारा। भक्तों, महावीर हनुमान प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। उनकी माता का नाम अंजना और उनके पिता वानर राज केशरी हैं। इसी कारण इन्हें आंजनेय और केशरी नंदन आदि नामों से पुकारा जाता है। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते हैं। हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का भी योगदान था। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि हवन कर रहे थे। यह हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर तीनों रानियों में थोड़ी थोड़ी बांट दी। पवन देव ने खीर का एक भाग वायु द्वारा विस्थापित कर दिया, जिसे एक कौवा अपने साथ उस जगह ले गया जहाँ अंजनी माँ तपस्या कर रही थी। यह सब भगवान शिव और वायुदेव की इच्छा अनुसार हो रहा था। तपस्या करती अंजना के हाथ में जब खीर आई तो उन्होंने उसे शिव जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसी प्रसाद की वजह से हनुमान का जन्म हुआ। प्रेम से बोलिए भक्तों, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान है भक्त राम के, सब भक्तों के हैं सरताज। अंजना जी है जिनकी माता, पिता है केशरी वानर राज। पुत्र प्राप्ति को राजा दशरथ कर रहे थे पुत्रेष्टि हवन। प्रसाद रूप में मिला जो खीर, बह गए उसका उस पवन। एक कागा ने खीर उठाया, जा बैठा है दूर जगह पर। तप कर रही थी माता अंजना, कागा ने फिर उनके हाथ में खीर का वह अंश गिराया। प्रसाद समझ खाया माता ने, पुत्र रूप में हनुमत पाया। भक्तों, आइए सुनते हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे पावन मंगलवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी।
जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहाँ उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। प्रेम से बोलिए भक्तों, पवन सुत हनुमान की जय। आओ सुनाए हनुमत व्रत कथा, श्रवण पर करते कृपा हनुमान। मंगलवार के पावन कथा से मिलता यश सम्मान। एक थे ब्राह्मण दंपति जिनका नहीं था कोई भी संतान। तब ब्राह्मण ने वन में जाकर किया है हनुमत का उसकी पत्नी भी धरते थे हनुमान का सदा ही ध्यान। अपने भक्तों का कष्ट देख कर महावीर ने दिया वरदान। सशरीर बालक प्रकट हुआ है, कहा हनु ने यह पुत्र तुम्हारा करेगा तेरे निस दिन सेवा, होगा यह तुम सबका दुलारा। भक्तों, बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि यह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तों, पवन सुत हनुमान की जय। हुई ब्राह्मणी अति प्रसन्न, नाम रखा है उसका मंगल। वन से लौटे जब ब्राह्मण देख के बालक हुए हैं विहल। पूछा पत्नी से कौन है बालक जो रहता है अपने ही घर। ब्राह्मण ने कहा प्रभु कृपा है हनुमान ने दिया यह वर। हुआ विश्वास न ब्राह्मण देव को, बालक कुआ में फेंक दिया है। ब्राह्मण ने पूछा कहाँ है मंगल, ब्राह्मण ने नजरअंदाज किया है। तभी मंगल पीछे से आया, माता को देख वो मुस्काया। ब्राह्मण को विश्वास हुआ ना, प्रभु की है ये कैसी माया। तो एक बार हनुमान जी को सुलाकर माता अंजनी गृह कार्य में व्यस्त हो गई। तभी हनुमान जी की नींद खुल गई तथा भूख से व्याकुल हो सूर्य को मीठा फल समझकर उन्होंने उसे अपने मुख में भर लिया। उस समय ग्रहण चल रहा था। सूर्य की यह गति भांपते हुए राहु ने देवराज इंद्र के पास जाकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। तब देवराज इंद्र ने देखा कि छोटे से हनुमान सूर्य को अपने मुख में रखकर खेल रहे हैं और सारा जगत त्राही माम कर रहा है। उसी समय हनुमान जी की दृष्टि इंद्र की ओर गई और उसे भी फल समझकर खाने लगे। इंद्र ने हनुमान जी को अपनी ओर आता देखकर उन पर वज्र से प्रहार किया। वज्र के प्रहार से सूर्य हनुमान जी के मुख से आजाद हो गए और हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी वायु देव ने वायु की गति रोक दी, जिस कारण सारे जगत में वायु संचार बंद हो गया और सभी जीव मृत्यु को प्राप्त होने लगे।
देवराज इंद्र समेत सभी देवता तब ब्रह्मा जी के पास गए। तत्पश्चात ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने वायु देव के पास जाकर उनसे विनती की कि वायु का संचार प्रारंभ करें तथा सभी हनुमान जी को बल, बुद्धि और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्रदान करें। हनुमान जी की मूर्छा समाप्त हुई और सृष्टि में नव संचार होने से मानव सहित सभी जीवों की रक्षा हुई। प्रेम से बोले भक्तों, पवन सुत हनुमान की जय। एक बार की बात है भक्तों, अंजना गई हनु को सुलाकर, भूख से नींद खुली हनुमत की, सूर्य कुलिया है मुंह में भर, चारों ओर अंधकार है छाया, राहु केतु कुछ समझ न पाया, ग्रहण काल में यह हुआ क्या, इंद्रदेव को सब बात बताया, इंद्र ने किया है वज्र प्रहार, हनुमत मूर्छित गिरे धरा पर, पवन ने रोका वायु संचार, सारी प्राणी कर रहे थे थर थर, सभी देवता पास है आए, हनुमान को कैसे जगाए, तब ब्रह्मा ने दिया है जीवन, हनुमान उठ कर मुस्काए। भक्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सर्वोत्तम सेवक सखा और भक्त श्री हनुमान सद्गुणों के भंडार हैं। श्री हनुमान के परम पराक्रमी सेवा मूर्ति स्वरूप से तो सभी परिचित हैं, लेकिन वह ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हैं। वह अतुलित बल के स्वामी हैं। उनके अंग वज्र के समान कठोर एवं शक्तिशाली हैं। उन्हें बजरांग नाम दिया गया, जो आम बोलचाल में बजरंग बन गया। बजरंग बली केवल गदाधारी महाबली ही नहीं, बल्कि विलक्षण और बहुआयामी मानसिक और प्रखर बौद्धिक गुणों के अद्भुत धनी हैं। हनुमान जी राम सेवा अर्थात सात्विक सेवा के शिखर पुरुष ही नहीं थे, बल्कि अनंत आयामी व्यक्तित्व विकास का महाआकाश है। विवेक, ज्ञान, बल, पराक्रम, संयम, सेवा, समर्पण, नेतृत्व, संपन्नता आदि विलक्षण गुणों के धनी होने के बावजूद उनमें रत्ती भर अहंकार नहीं था। हनुमान जी सामाजिक समन्वय और विकास के अग्रदूत हैं। वह योद्धा के रूप में पवन गति के स्वामी हैं, बल्कि वह सुशासित राम राज्य के पुरोधा और कुल पुरोहित भी हैं। प्रेम से बोलिए भक्तों, पवन सुत हनुमान की जय। सबसे बड़े हैं सेवक हनुमत, कोई न उनसा राम का दास, सद्गुण का भंडार महावीर, सर्व ज्ञान है जिनके पास, अगर पाना है राम शरण को, भज हनुमान तुम निस दिन, करेंगे कृपा बजरंग बली जी, मन निर्मल ना होगा मलिन, हनुमत पवन गति के स्वामी, दया करते हैं अंतर्यामी, अपने भक्तों पर होते सहाय, कृपा से काल निकट नाय, ओम हन 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 हनुमते नमः, यही हनुमान का मूल है मंत्र, होती उन पे विशेष कृपा, जो रखते अनुरक्षा यंत्र। भक्तों, मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, जिस कारण मंगलवार के दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभकारी होता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति पर चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएं। इस दिन तामसिक भोजन और शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन भगवान राम के नाम का जाप करें, इससे आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हनुमान जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग शुभ माना जाता है। हनुमान जी को लड्डू बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। पूजा का समापन हनुमान जी की आरती के साथ करें। अंत में हनुमान जी से प्रार्थना करें। प्रेम से बोलिए भक्तों, जय हनुमान, जय जय श्री राम। देहे हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, कौन सो संकट
मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। तन में तुम्हारे शक्ति विराजे, मन भक्ति से भी ना। तन में तुम्हारे शक्ति विराजे, मन भक्ति से भी ना। जो जन तुम्हारी शरण में आए, शरण में आए, दुख दर्द हर लेना हनुमत, दुख दर्द हर लेना। महावीर प्रभु हम दुखियन के, महावीर प्रभु हम दुखियन के, तुम हो गरीब निवास हनुमत, तुम हो गरीब निवास हनुमत। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। राम लखन वै देही तुम पर सदा रहे हर्षाए, राम लखन वै देही तुम पर सदा रहे हर्षाए। हृदय चीर के राम सिया का, हृदय चीर के राम सिया का, दर्शन दिया कराए हनुमत, दर्शन दिया कराए। दो कर जोड़ अरज हनुमंता, दो कर जोड़ अरज हनुमंता, कहियो प्रभु से आज हनुमत, कहियो प्रभु से आज हनुमत। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। ओम हनुमान
श्री हनुमते नमो नमः, जय हनुमते नमो नमः, श्री राम दूताए नमो नमः। श्री राम दूताए
जय हनुमते नमो नमः श्री राम दूताय नमो नमः
हनुमते नमो नमः, जय हनुमते नमो नमः, श्री राम दूताए नमो नमः। श्री राम दूताए